ये वीडियो है टर्की के इस्तांबुल का। वहाँ पे गोल्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये चैलेंज रखा गया, ये कंपटीशन रखा गया। इसमें होता यह है कि जो भी इंसान इस गोल्ड के पीस को बाहर निकाल लेगा सक्सेसफुली, उसका ये गोल्ड हो जाएगा। दुनिया में बहुत ही कम इंसान है जो ये चीज कर पाए हैं, क्योंकि ये करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला कि आपका हाथ छोटा होना चाहिए, दूसरा आपके हाथ में दम होनी चाहिए। क्या आप इस सोने के पीस को बाहर निकाल पाओगे, कमेंट्स में बताना। आज से 30 साल पहले 90 के दशक में जब केवल टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे, तब उस समय प्रॉब्लम होती थी लोगों को फोन उठाने में, कि उन्हें बहुत देर तक अगर बात करनी होती थी तो ऐसे कंधे से टेलीफोन को दबाकर रखना पड़ता था, जो कि लंबे समय तक कर पाना मुश्किल था। और इसी बात का सॉल्यूशन निकाला उस समय के एक सामान ने, जिसका ये एडवर्टाइजमेंट है ना इंटरेस्टिंग। ये प्रोडक्ट आपके टेलीफोन को आपके सर से ही जोड़ देता था, जिससे लंबे समय तक बात कर पाना बहुत आसान हो गया। आपने अपने आसपास जितने भी तलाक देखे होंगे, डिवोर्स देखे होंगे, वो शादी के लगभग 2-3 साल में 4 साल में हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पता चल जाता है कि आपका पार्टनर कैसा है। लेकिन क्या लगता है कि सबसे लंबे समय के बाद दुनिया में तलाक कब हुआ होगा? बात है इटली के रहने वाले एक कपल की, जिसमें हस्बैंड का नाम था एंटोनियो और वाइफ का नाम था रोसा। एंटोनियो की उम्र है 98 साल और रोसा की उम्र है 96 साल। एंटोनियो को शादी के 77 साल बाद ये पता चला कि उसकी बीवी का 1940s में एक बंदे के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात जानने के बाद एंटोनियो रोजा के पास और उन्हें पकड़ा दिए सीधे तलाक के कागज। आपको क्या लगता है, शादी के इतने साल के बाद क्या तलाक लेना सही था, या फिर एंटोनियो को माफ कर देना चाहिए था रोजा को?